नमस्कार, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण। आज का दिन आपके लिए कैसा है, आपकी राशि के अनुसार से हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ साथ भगवान कृष्ण को पसंद करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहती दिखाई दे रही है और खासतौर पर वाद विवाद से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़े थोड़े समय में रुष्ट, थोड़े थोड़े समय में प्रसन्न, ऐसी भावना मन में बार बार परेशान करती रहेगी। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऐसे में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग लगाएं, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। वृक राशि वालों के लिए वाणी में मधुरता आज रहती दिखाई दे रही है। भावनाओं को अपने वश में रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, वो आपके लिए कष्टकारी रहेगा, इसलिए कोशिश करें बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें। आपके लिए शुभ ये रहेगा कि भगवान कृष्ण का पूजन करते वक्त जन्माष्टमी के समय आप विशेष तौर पर बाल गोपाल का पूजन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और साथ साथ भगवान के लिए प्रार्थना करें कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों। मांबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है आत्मविश्वास में थोड़ी कमी के कारण से मन परेशान रह सकता है। आज संतान की तरफ से सुख समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। कारोबार में कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, यात्रा हो सकती है और तनाव खासतौर पर दूर करने में कुछ न कुछ रास्ता प्राप्त हो सकता है। आज के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चंदन का तिलक उन्हें लगाएं और उन्हें भोग में दही अर्पित करें, कष्ट कम होंगे। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए मन अशांत होने के योग बन सकते हैं। क्रोध से खासतौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक कार्यों में जो बच्चे संबंध रखते हैं शिक्षा से, उनके लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रहन सहन थोड़ा अव्यवस्थित रहता दिखाई दे रहा है, परंतु साथ साथ धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन श्वेत वस्त्र का श्रृंगार उन्हें अर्पित करें, दूध और केसर का उन्हें भोग लगाएं, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। मांबे करेंगी कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए खासतौर पर परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। अवसरों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है और परिवार से थोड़ा सा दूर रहने के योग बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपके लिए प्राप्त होगा। मन थोड़ा अशांत रहेगा, शांत करने के लिए कुछ उपाय कर लीजिए। आज भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। कारोबार में विस्तार के योग बन सकते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कान्हा को का पूजन करते हुए श्रृंगार के लिए गुलाबी रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करें और अष्टगंध का तिलक करें, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं, संयम से रहते हुए काम करने का प्रयास करें, क्रोध से बचें और बातचीत में विशेष तौर पर संतुलन रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहते हुए काम करें। ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी आज बुजुर्गों के सहयोग से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। माता के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हरे रंग के वस्त्र में अर्पित करें और पूजन के बाद मेवे का भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग कैसा है जान लीजिए। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से। घर में शांति प्राप्ति के योग बनेंगे और मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु क्रोध और आवेश से बचते हुए काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में भगवान कृष्ण को खासतौर पर पसंद करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर लीजिए। आज जन्माष्टमी का अवसर है, ऐसे में भगवान को पसंद करने के लिए गुलाबी रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और खासतौर पर पूजन के बाद घी का उन्हें भोग लगाना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग थोड़े भारी दिखाई देते हैं। मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहती दिखाई दे रही है और मन की निराशा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण का पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं। रहन सहन थोड़ा अव्यवस्थित रहेगा, मित्रों से भेंट होगी। भगवान कृष्ण को पसंद करने के लिए क्या करना है, लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करें यदि हो सके तो, और माखन दही का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि मानसिक तौर पर शांति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कला में रुचि बढ़ सकती है धनु राशि वालों। आज इच्छा के विरुद्ध कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, शांत होकर उनको लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। रहन सहन थोड़ा कष्ट में हो सकता है अन्यथा। आज भगवान कृष्ण को पसंद करने के लिए पीले वस्तु उन्हें अर्पित करने चाहिए और पीले रंग की मिठाई उन्हें अर्पित करनी चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा। मांबे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं मन थोड़ा परेशान रहेगा, घर वालों का स्वास्थ्य थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है और दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि हो सकती है। संतान की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परिवार के साथ बेकार बातों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शांत होकर उनकी भी सुनने का प्रयास आपको करना चाहिए। भगवान कृष्ण को नीले वस्त्र अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहती दिखाई दे रही है। खर्चों की थोड़ी अधिकता आपको परेशान कर सकती है। परिवार के साथ आज काम करने का प्रयास करें, उनको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को पसंद खासतौर पर पसंद करने के लिए नीले रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करें, बालूशाही का भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे।
माँ अम्बे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, क्रोध से बचते हुए काम करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रख पाएंगे। आज वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, नकारात्मकता थोड़ी परेशान कर सकती है। आज खासतौर पर अनियोजित जो खर्चे हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, तनाव बढ़ सकते हैं। उपाय है, भगवान कृष्ण की उपासना करें, नीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीली मिठाई, केसर युक्त मिठाई उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्ण।